सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कायाकल्प को लेकर के राज्यव्यापी बेसलाइन सर्वेक्षण होना है, जिसके बारे में एक ये बहुत ही अच्छी सी जानकारी आई है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी, साथ ही सुपरवाइजर, इनका उन्मुखीकरण दरअसल होना है। अब ऐसे में निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश जल एवं स्वच्छता अधिकारी यूनिसेफ की तरफ से एक ये सूचना जारी की गई है। आइए देखते हैं इसमें मैटर क्या है। तो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में हर दो में से एक बच्चा कुपोषित है, यानी 50% आप कह सकते हैं कि कुपोषण है, यानी हर दो बच्चों में से एक बच्चा कुपोषित है। तो यानी आधा बच्चा 50% कुपोषण है। अब ऐसे में हर दूसरी किशोरी और गर्भवती महिला एनीमिक है। तो ऐसे में ये भी आप देख सकते हो, 20% बच्चों में बौनापन जो है वो गर्भ से ही शुरू होता है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ खुद कुपोषित होती है। अब इसके अलावा 25% नवजात शिशु एवं घंटे में स्तनपान शुरू करते हैं, और 42% शिशु 6 महीने तक विशेष रूप से स्तनपान करते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। तो 25% वाला ये भी काफी दिक्कत भरा आंकड़ा है। अब ले चलते हैं आगे। केवल 5% पर्याप्त पूरक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, और ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स आती है रिपोर्ट, उसमें भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है। कुपोषण 5 वर्ष से कम उम्र के 45% मौतों से जुड़ा हुआ है। तो इसको हल्के में मत लेना, कुपोषण को मिटाना एक बहुत ही जरूरी एक काम है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा, इसको सरकारों के एंगल से मत देखो, क्योंकि हर कोई अपने अपने आंकड़े आएंगी, सरकारें जाएंगी और आंकड़ों पर आंकड़े प्रदर्शित करेंगी, लेकिन ये मिटेगा सभी जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और उनकी सोच नहीं बदलेगी। आजकल आप देख रहे हैं, अब वो जमाना नहीं रहा, अब संसाधनों ने चारों तरफ से इंसानों को इस कदर घेर रखा है कि अब उनको संसाधनों के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। जैसे कि खास तौर पर कि उनको अपने जो है डाइट का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रहता। संसाधनों के उसी चक्कर में, मोह माया में इंसान फंसा हुआ है कि अब ये कर लें, अब वो कर लें, अभी इनका देना, अभी उनका देना, अभी ये खरीदना, अभी वो पहनना, इन्हीं सब चीजों में इंसान अब जो है लिपटा हुआ है। जबकि पहले का दौर ऐसा नहीं था, और इसीलिए तब उस कदर कुपोषण नहीं था। रीजन बहुत से हैं, तब इंसान जो खा रहा था उसमें दवाइयां भी नहीं पड़ के आती थी। आजकल कोई भी पैदावार बिना दवाई के होती ही नहीं है। हर एक जो है, जो उन्नत बीज आप देखते हो जिनमें पैदावार अधिक है, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं रह गई। तो अब हर एक चीज जो दवाओं स्वरूप हम सब लोग ले रहे हैं, अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के आइए, हम आप सबको जागरूकता बताते हैं। लिखा है नंबर ऑफ इन पोजीशन आंगनबाड़ी अप्रॉक्स 160,000 है। नंबर ऑफ आंगनबाड़ी रिसीव्ड प्री स्कूल ट्रेनिंग 156,000 लोगों ने लगभग हासिल कर लिया, और बच्चे जो 3 से 6 वर्ष वाले जो रजिस्टर्ड हैं वो 76,61,000 हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो प्री स्कूल एजुकेशन पा रहे हैं वो 53,85,000 अप्रॉक्स में लगभग इतने हैं। अब ऐसे में मैं आपको आगे ले चलता हूँ, कुछ और बताता हूँ। कुपोषण और स्वच्छता से जुड़ा हुआ एक ये ग्राफ आया है, देखिएगा कितना अच्छा जानकारी इसमें है। असुरक्षित पेयजल से बच्चा कुपोषित हो सकता है, गंदे हाथ से अगर कोई छुएगा तो हो सकता है, दूषित भोजन अगर मिलेगा तो हो जाएगा, बच्चे का मल उससे भी हो जाएगा। तो साफ सफाई अगर नहीं है तो भी जो है बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमारियां क्या लाती हैं, कुपोषण लाती हैं। शरीर कमजोर होगा तो कुपोषित होगा, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कुपोषण और स्वच्छता को लेकर के कुछ यहां पर बातें दर्शाई गई हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी कायाकल्प को लेकर के आपको बताना चाहेंगे क्या लिखा गया है, उसको सुनिए। आंगनबाड़ी कायाकल्प की अवधारणा क्या है। 0 से 6 आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, इसका एक ये अवधारणा समझ सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के नए प्रावधानों के अनुसार 3 से 8 साल तक के बच्चों को
फाउंडेशन स्टेज यानी 5 साल, जिनमें 3 साल आंगनबाड़ी के, 3 से 6 वर्ष के बच्चे और कक्षा 1 और कक्षा 2, कुल मिलाकर के आपके 5 साल हो गए। इसीलिए 3 से 8 साल तक के बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में शामिल किया गया। इसमें 2 साल आंगनबाड़ी के होंगे, अर्थात नई शिक्षा नीति के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र को विकसित करना है। इन्होंने गलत लिख दिया, 2 साल आंगनबाड़ी के होंगे, 3 साल आंगनबाड़ी के होंगे प्लस 2 साल में क्या होगा, कक्षा 1 होगा और प्लस कक्षा 2 होगा। तो यहां पर ऐसे समझिएगा। अब आगे ले चलते हैं, आपको उद्देश्य इसका बताते हैं क्या है। उद्देश्य में लिखा गया है, विभिन्न विभागों से आंगनबाड़ी केंद्र की अवस्थापना सुविधाओं के सुधार और विस्तृत यानी विस्तार के लिए अभिसरण को प्राथमिकता देना है। आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सुरक्षित पेयजल, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय और मूत्रालय और 3 से 4 नलों के साथ हैंड वॉशिंग स्टेशनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। 3-4 नल यानी 3-4 टोटियां लगी हों एक साथ इकट्ठा, ताकि एक बार में 3-4 बच्चे पानी पी पाए आराम से। जैसे स्टेशनों पर हम सबने देखा होगा कि साइड में कई सारी टोटियां लगी होती है जहां पर पानी भरने वाला सिस्टम होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त जरूरी अवस्थापना सुविधाओं जैसे कक्षा कक्ष व बरामदे का टाइलीकरण, रसोई घर में नल जल, आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर विद्युत कनेक्शन संयोजन, इन सब की मरम्मत, ये सब चीजें। अब इसके अलावा डीपीओ और सीडीपीओ की जिम्मेदारियां दर्शाई गई हैं क्या हैं, तो सबको जानना जरूरी है कि डीपीओ और सीडीपीओ की क्या जिम्मेदारी है। आंगनबाड़ी कायाकल्प के सफल क्रियान्वयन के लिए डीपीओ अपने जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य, जिला सलाहकार सिविल और जिला सलाहकार MIS वाले, इनसे विभागीय समन्वय स्थापित करेंगे। साथ ही समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO अपने के सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और सर्वे के दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति को सुनिश्चित करते हुए बेसलाइन सर्वेक्षण का सफल क्रियान्वयन करेंगे। इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी और CDPO यानी DPO CDPO अपने जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे और सर्वेक्षण की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। सर्वे के दौरान आ रही तकनीकी एवं विभागीय स्तर की समस्याओं के निराकरण में भी सहयोग करेंगे। फिर DPO CDPO की जिम्मेदारियां दी गई हैं क्या हैं, तो जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी DPO आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग और डाटाबेस तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। जिला बेस शिक्षा अधिकारी, जिला सलाहकार सिविल इनसे समन्वय करेंगे। विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है आवंटन भी सुनिश्चित करेंगे। ये सब चीजें हैं। तो यदि आंगनबाड़ी केंद्र प्रेरणा मोबाइल ऐप के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है तो उसको भी करवाएंगे। ऐसे ही ध्यान देने वाली बातें कुछ और हैं। आंगनबाड़ी कायाकल्प की अवधारणा तथा मुख्य सचिव महोदय के शासनादेश के तहत प्रदेश के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को 18 संकेतकों के रूप में पृथक समर्पित एवं बाल मैत्रिक अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सब चीजें यहां पर दर्शाई गई हैं। और आगे आपको बता दें, ध्यान देने के लिए कुछ और बातें इन्होंने लिख दी हैं, जैसे सुरक्षित पेयजल स्रोत, नल जल आपूर्ति व्यवस्था, रनिंग वाटर सप्लाई, इनके साझा उपयोग को भी शर्त पर जो है संतृप्त माना जाएगा। जब आंगनबाड़ी केंद्र में पृथक ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी, पाइप युक्त नल जल, ये सब चीजें वहां पर लगेंगी और शौचालय भी हो महिलाओं के लिए, वो भी वहां पर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें बढ़नी है। आंगनबाड़ी कायाकल्प के कुछ प्रमुख 18 घटक हैं। वैसे आप सबको ये 18 के 18 घटक हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आप में से नहीं देखे हैं तो एक बार सुन लीजिएगा, बस 2 मिनट लगेगा। सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल, ओवरहेड के साथ नल जल की व्यवस्था, शौचालयों और मूत्रालयों में निरंतर नल जल की आपूर्ति, बाल मैत्रिक शौचालय, बाल मैत्रिक मूत्रालय बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग होने चाहिए, महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए, शौचालय और मूत्रालय में टैलीकरण होना चाहिए, नल जल आपूर्ति के साथ ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट होनी चाहिए, आंगनबाड़ी के फर्श का टैलीकरण हो, दिव्यांग मैत्रिक शौचालय हो जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए, गतिविधि कक्ष में ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड हो, आंगनबाड़ी भवन की रंगाई पुताई बाला पेंटिंग हो, दिव्यांग सुलभ रैंप और रेलिंग हो, विद्युत संयोजन और विद्युत आपूर्ति हो, सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट और पंखे हो, पठन पाठन के लिए लो लाइट डेस्क और बेंच हो, आंगनबाड़ी भवन गेट के साथ चहार दीवारी हो, रसोई घर में सिंक के साथ नल जल की आपूर्ति हो। तो ये 18 घटक हैं आंगनबाड़ी के कायाकल्प को लेकर के। ये सुविधाएं आंगनबाड़ी सेंटरों पर होनी चाहिए और इसी को लेकर के प्रयास हो रहे हैं। अब इसी संबंध में प्रमुख घटक में आप देखिए 5 चीजें हैं, ऑनलाइन जो है अंकन सहनियोजन, ऐसे करके ये सब चीजें दी हैं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल स्रोत की सुविधा है, तो ये सब यहां पर भरना है। तो ऐसे देख सकते हो,
ये सब चीजें भरने के लिए आई, ये सब चीजें वहां पर दर्शाई गई। आंगनबाड़ी कायाकल्प के 18 घटक से संबंधित प्रश्नावली भी है कि 18 सवालों को लेकर के जो सवाल जवाब होंगे यानी पूछा जाएगा क्या क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है इनमें से 18 चीजों में, तो ये उन चीजों से जुड़े हुए 18 सवाल है, प्रश्नावली है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, और ऑल इंडिया ने पहले भी इनको दिखाया है। मेटा डाटा में भी आया है, मेटा डाटा में आप देख सकते हैं जो कि ये क्या आंगनबाड़ी केंद्र में सुरक्षित स्वच्छ पेयजल का स्रोत है, उसके सामने ये मेटा डाटा फिर उपलब्ध कराया गया है वाटर सप्लाई को लेकर के, सब मेटा डाटा में ये आप देख सकते हैं। ये टोटल कितने 18 इन्हीं पहलुओं को लेकर के हैं जो कि 18 मैंने आपको गिनाए। अब मेटा डाटा में बाकी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, तो इन पर भी आप देख सकते हैं इनकी उपलब्धता को लेकर के। अब इसके अलावा ये और सर्वे हैं, कैसे करें सर्वे शुरू उसके बारे में है। स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र परिसर का भ्रमण करना है, स्कूल सर्वे से पूर्व आंगनबाड़ी वर्कर को सर्वे के बारे में अवगत कराना है, साथ ही सर्वे के लिए जरूरी जानकारी को भी संकलित करने को कहना है, स्कूल के सर्वेक्षण के पश्चात आंगनबाड़ी का सर्वेक्षण शुरू करना है। यानी कहने का तात्पर्य यह है अधिकारी आएंगे उसके पहले आंगनबाड़ी बहनों को अवगत कराएंगे ताकि आप मिल जाएं, आपके पास पूरी जानकारी हो और आप उन 18 चीजों के बारे में उनको अवगत करवा पाए। कहाँ से शुरू करें सर्वे इसके बारे में दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र के फ्रंट का फोटो लेना है, सुरक्षित पेयजल स्रोत के सर्वे शुरू करें और स्वच्छता सुविधाओं, शौचालय मूत्रालय ग्रुप हैंड वॉशिंग स्टेशन का सर्वे, ये सब पूछना है, प्रमुख अवस्थापना सुविधाएं रैंप टाइलीकरण विद्युत संयोजन इन सब का सर्वे करना है। तो यहाँ से सब शुरू किया जा सकता है। अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पर ये फोटो सब लिए गए, टाइलीकरण कुछ इस तरीके से दर्शाए गए हैं, आप देखिए कितने अच्छे अच्छे बने हैं। ये बाहर जो है हाथ वगैरह धुलने के लिए हो गया, इधर आप देखिएगा अलग अलग शौचालय यहाँ पर सब दर्शाए गए हैं। अब इधर साइड में भी ये सब सिस्टम पूरा सब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये महिलाओं के लिए होगा अंदर सुविधाओं की जो है क्लोजअप वगैरह फोटो, और एक ये देखिएगा यहाँ पर ये अलग अलग है, ऐसे में ये दीवार टाइप का यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब ये देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़ा हुआ मैटर, शौच के बाद हाथ धुलने के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, साबुन से हाथ जरूर धोने के लिए प्रेरित करना है, खाने से पहले हाथ धुलने हैं, खाना पकाने के पहले भी धुलने हैं, बाद में भी धुलने हैं, बच्चे का मल साफ करने के बाद भी धुलने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। कायाकल्पित आंगनबाड़ी के बारे में आपको परिदृश्य दिखाते हैं, काफ़ी लोग छोड़ करके चले गए होंगे, देखिए कितने अच्छे अच्छे दृश्य हैं। आंगनबाड़ी कायाकल्प कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रेलिंगें भी लगी हैं, जैसे कि ये रैंप भी बनी हुई है, ठीक, और रैंप के किनारे किनारे ये रेलिंग भी लगी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका रसोई घर है, ठीक है, ये आपका आंगनबाड़ी सेंटर हो गया, और इस साइड में टॉयलेट बाथरूम ये वाला जो है ये हो गया महिलाओं के लिए, और इस साइड में जो दो आपको दिख रहे हैं पार्टीशन के तौर पर, एक बालक के लिए एक बालिका के लिए, कुछ इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर ये दर्शाए गए हैं। परिदृश्य दो में आप और साफ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक ये हो गया, एक ये होगा बालक बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ इस कदर हो गया, बाहर ये टोटी हो गई, और ऐसे सिस्टम कुछ है, यहाँ पर पानी पीने वाला पूरा ये सिस्टम बना हुआ है इस साइड में, तो ऐसे सब देख सकते हैं। और सब जगह देखो ये सब टाइलीकरण है, अंदर भी बाहर भी इस तरीके से सब टाइलीकरण है। अब परिदृश्य ये परिक्षेप का तीसरा एक और यहाँ पर पहलू इस कदर भी देख सकते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसे यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा एक ये आप इस साइड का भी देख सकते हैं किस तरीके से आपको दिखेगा, तो ये हो गया बच्चों के लिए, और ये हो गया बड़ा वाला महिलाओं के लिए, और इधर हो गया पानी पीने वाला पूरा सिस्टम, ऐसे करके चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऊपर ये पानी की टंकी भी है। अब ये सब सुविधाएं होनी चाहिए ना, तो इस तरीके से आपका ये आंगनबाड़ी कायाकल्प को लेकर के प्रयास होने चाहिए। अब ये एक बढ़िया सी जानकारी आप देख सकते हैं जो कि आप सबने देखी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में आप जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।